Hello students, this video made for second standard. It is the part 2 of lesson number 2, uses of computer. ये second standard के लिए video बनाया गया है और ये part 2 video है. Lesson number 2 है, chapter number 2 है, uses of computer. पहले video में मैंने आपको बताया है कहाँ पर कौन से places पर computer use किया जाता है. लेकिन थोड़े से उसके remaining points रह गए थे. वो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. पहले वीडियो के साथ ये वीडियो देखो तो आपके कंसेप्ट पूरी तरह से कहीं क्लियर हो जाएगी. नाउ एवरीवन नो दैट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. पहले वीडियो में मैंने बताया था इन स्कूल्स, इन बैंक्स, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, होटल्स एंड शॉप्स में कंप्यूटर यूज किया जाता है. पहले स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, टीचर्स को टाइम टेबल बनाने के लिए, स्कूल ऑफिस में रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, पूरे स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है. एज वेल एज इन होम फॉर वॉचिंग मूवीज, प्ले गेम्स, होमवर्क, लिसन म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए, कार्टून्स देखने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है. होटल्स एंड शॉप्स में मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर बिल्स. देन कम्युनिकेशन मीन्स आप क्या करते थे. एक कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट होना, संवाद एक दूसरे से करना, एक दूसरे से बातचीत करना. तो कंप्यूटर इट इज अ पॉसिबल वेरी वेल. क्या हो जाता है कंप्यूटर के यूज से, आप एक दूसरे से यूजिंग इंटरनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हो. यूजिंग इंटरनेट डेटा आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से कॉल कर सकते हो, स्काइप से, ऐसे कुछ कुछ फीचर्स है, व्हाट्सएप थ्रू, स्काइप थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दूसरे कंट्री में भी आपके रिलेटिव से या आपके फ्रेंड से, तो उनके साथ यू कैन कम्युनिकेट विद वेरी वेल यूजिंग इंटरनेट एंड फोन कॉल्स. फोन कॉल से क्या कर सकते हो, इंटरनेट से आप अपने फ्रेंड से, यहाँ से ही नहीं, इस कंट्री में ही नहीं, खाली दूसरे कंट्री में भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो. देन यूजिंग इंटरनेट यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से मैसेज सेंड कर सकते हो. मैसेजेस सेंड करने से आपको जो भी कुछ मैसेज है उनसे रिसीव हो सकता है थ्रू ईमेल. ईमेल से क्या होता है कि आप दूसरों को मैसेज दे सकते हो और उन्होंने दिया हुआ मैसेज भी आपको मिल सकता है. एज वेल एज यूजिंग सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, वहां से आप क्या कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो एज वेल एज रिसीव कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आपको यूजिंग कंप्यूटर कंप्यूटर टेल अस विच प्लेस एंड वेयर आर यू इन अर्थ. पर आप कौन से प्लेस पर हो, आप कहाँ पर हो, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन कौन देता है, कंप्यूटर देता है यूजिंग GPS सर्विस. GPS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम. इससे क्या होता है, आपको आप कौन से प्लेस पर हो ये सब कुछ एक जगह पर बैठकर ही आपको पता चलता है. देन ड्रोन. एवरीवन नो दैट ड्रोन में क्या किया जाता है, कंप्यूटर से वो ड्रोन कंट्रोल किया जाता है. आपने फेस्टिवल में वगैरह शादी में देखा होगा, आजकल की वीडियो शूटिंग यूजिंग ड्रोन से की जाती है. ड्रोन क्या होता है, वो ऊपर से उड़ता हुआ आता है, जो भी कुछ कैमरा से उसमें जो भी कैमरा होता है उसमें पूरी की पूरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है. इससे आपको जो भी कुछ चल रहा है उसका लाइव वो रिकॉर्ड करता रहता है. ड्रोन का और एक यूज है, इट यूज रू सेंड सम थिंग्स. अगर आपको कुछ भी मशीन से मेडिसिन वगैरह नाउअडेज कोरोना से आपको पता चल गया है कि बाहर चलना मुश्किल हो गया है, तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनीज करते हैं कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लेसेस है लेकिन जहाँ पर अवेलेबल है, ड्रोन के यूज से क्या होता है वो थिंग्स वहाँ पर पहुँचाई जा सकती है. ड्रोन के साथ जो भी कुछ आपको मेडिकल फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाती है. और उसके लिए एक जगह पर बैठकर रिमोट से उसे आप कंट्रोल कर सकता है, वो फोन करता है, कंप्यूटर करता है. ऑफिस से मालूम है गिविंग प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन के लिए ऑफिस में कंप्यूटर यूज किया जाता है. बैंक में मेंटेन अकाउंट्स, ATM और ई पेमेंट मीन्स आपको घर बैठे ही कैशलेस पेमेंट, उसे क्या कहते हैं कैशलेस पेमेंट.
घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब मोबाइल से। आप क्या करते हो, दूसरे का अकाउंट नंबर लेकर उसके अकाउंट पर या दुकान में, शॉप में, जहाँ पर भी आपको कुछ मटेरियल लेना है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ई पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग कंप्यूटर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन और कैंसिलेशन होता है, वैसे ही लोकेशन, स्पीड, आपके ट्रेन का, एरोप्लेन का करेक्ट टाइम वगैरह सब कुछ उसमें कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है। इन डिजाइनिंग, इन डिजाइनिंग मीन्स आपको मालूम है जब भी किसी बिल्डिंग का, किसी भी हाउस का बनने से पहले उसका पूरा प्लान कंप्यूटर में रेडी होता है और वो प्लान बनाकर भी जो भी कुछ है वर्क वो कंप्लीट किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है। देन डिजाइनिंग कार्स, एरोप्लेन्स, वो जो सभी मशीन्स आपको दिखाई देती है वो का पहले उसकी डिजाइन, जो भी कुछ व्हीकल्स मार्केट में आती है उसकी डिजाइन पहले कंप्यूटर में की जाती है। और ये जो भी कुछ न्यू स्किल आपको डेवलप करना है, जो भी कुछ न्यू स्किल अगर आपको सीखना है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल यूजिंग कंप्यूटर यू कैन लर्न इट वेरी वेल। आप घर बैठे हाउ टू ड्राइव कार, हाउ टू ड्राइव एरोप्लेन, उसकी बेसिक जो थिंग्स है वो आपको कंप्यूटर ठीक से स्टेप बाय स्टेप बता देता है, उसके प्रिकॉशन बता देता है, उसमें जो भी कुछ ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस है, सबके बारे में आपको पहले ही कंप्यूटर में क्या है अलर्ट किया जाता है कि कैसे आपको कार सीखते हुए पहले प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन से थिंग्स आपको याद रखना है, यह सब कुछ न्यू स्किल कौन सिखाता है, वो कंप्यूटर सिखाता है। देन डिजाइनिंग कार एंड एरोप्लेन्स, ये सब कुछ मशीन वर्क जो कुछ है कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है। देन एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको तो किसी भी चीज की एडवर्टाइज करनी है, इफ यू वॉन्ट टू एडवर्टाइज यूर स्टॉक, यूर मटेरियल, तो भी यूजिंग कंप्यूटर यू कैन डू इट वेरी वेल। इन पब्लिशिंग, पब्लिशिंग मीन्स आपके घर पर न्यूज पेपर आते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पर किया जाता है, उस न्यूज के फैक्ट्री में, वहां पर कंप्यूटर की हेल्प से न्यूज पेपर क्रिएट किए जाते हैं एज वेल एज उसे अट्रैक्टिव बना देता है, उसमें जो भी फीचर्स है उसके ऊपर जो भी कुछ अट्रैक्शन का, अट्रैक्टिव, कलरफुल बनाने का काम कौन करता है, कंप्यूटर किया जाता है। जो भी मैगजीन्स तैयार की जाती है वो पूरी की पूरी मैगजीन्स डिजाइन पब्लिशिंग कंप्यूटर थ्रू की जाती है। ये लास्ट का पॉइंट है हमारा इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस। साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट जो भी कुछ रिसर्च करते हैं वो पूरा का पूरा डेटा इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर में किया जाता है और उसके ऊपर एनालिसिस भी कंप्यूटर करता है। देन रोबोट्स, जो भी रोबोट्स आप देख रहे हो, रोबोट्स क्या है, एक मशीन है ना, हाँ, तो रोबोट्स में जो भी कुछ डेटा वगैरह दिया जाता है यूजिंग कंप्यूटर वो पूरा का पूरा मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है, रोबोट कंप्यूटर करता है। अदरवाइज आगे लास्ट थिंग इज फॉरकास्टिंग वेदर, फॉरकास्टिंग वेदर मीन्स आपको घर बैठे ही आज बारिश होने वाली है या नहीं, आज का वेदर कैसा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट थ्रू मोबाइल कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टूडेज वेदर फॉरकास्टिंग उस पहले और उसके बाद के 10 डेज के भी पूरे के पूरे आपको वेदर के बारे में कंप्यूटर बता देता है। उसके साथ ही सैटेलाइट्स, यूजिंग सैटेलाइट्स विच कंप्यूटर क्या करता है, सैटेलाइट्स मेंटेन करता है, जो भी कुछ सैटेलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है, कंप्यूटर में फीड होती है और वो सैटेलाइट्स पूरी की पूरी कंट्रोल की जाती है, उससे आपको जो भी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सैटेलाइट से आपको रिसीव की जाती है। ओके, ये सभी पार्ट्स कैसे थे, अभी जो भी कुछ यूजेस ऑफ कंप्यूटर में थे वो जो रिमेनिंग पार्ट्स थे यहाँ पर आप क्लियर ले रहे हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you.